मध्य प्रदेश सरकार अब कट्टरता फैलाने वाले मदरसों की समीक्षा करवाएंगे। दरअसल प्रदेश भर में ऐसे कई मदरसे हैं जो कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कदम उठाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री निवास में कानून व्यवस्था की बैठक थी, जिसमें सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने बुरहानपुर जिले के जंगलों में किए गए अतिक्रमण को हटाकर जंगल मुक्त कराने की भी सराहना की है। वहीं बालाघाट में नक्सलियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर भी पुलिस को बधाई दी। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने प्रदेश के अहाते बंद करा दिए, साथ ही रेत के अवैध परिवहन पर भी कार्रवाई की। इसके बाद वे जल्दी पैसा कानून को लेकर मंडल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इकबाल सिंह बैस सहित कई लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में वे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री की दोनों केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री वाणिज्य और उद्योग के संबंध में पीयूष गोयल से मिलेंगे। वहीं नई वंदे भारत ट्रेन सहित अन्य रेल परियोजनाओं के लिए अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करेंगे।